बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म जब से आया है तब से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हमेशा ही बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी रहते हैं, कभी पेमेंट इशू आता है, कभी रजिस्ट्रेशन इशू, कभी फॉर्म में इशू। अब जो अभ्यर्थी है वो इनका कहना है कि अब सर्वर इशू आ रहा है। हम जुड़ते हैं, इनको क्या कुछ दिक्कत है ये जानते हैं, क्या परेशानी आ रही है ये भी जानते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 सबसे बड़ी वैकेंसी है टीआरई 1 के बाद। अब देखना होगा किस तरीके से लोगों की दिक्कत दूर होती है। क्या दिक्कत आ रही है? मैम, मेरा सिग्नेचर गलत हो गया है, किसी और का सिग्नेचर हिंदी की जगह पर सीता कुमारी का आ गया है। ये किसकी गलती है? आपकी गलती? प्रॉब्लम है मैम, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा, जब प्रिंट निकला तब देखते हैं यहाँ सीता कुमारी आ गया है। तो अब आप क्या चाहती है बीपीएस? हम अतुल सर से चाहते हैं कि एक दिन करेक्शन डेट या एडिट का मौका दें, और क्या उनसे। अच्छा, कितना ज़रूरी है ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे? बहुत ज़रूरी है मैम, पूरी ख्वाहिश से जुड़ी है कि इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और अब जाके ये वैकेंसी आई है। और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन भी मैंने 3 बार किया, उसमें भी एडिट का ऑप्शन नहीं था तो किसी तरीके के, लेकिन जब फाइनल सबमिशन फॉर्म में देख रहे हैं अपने आप ही जो है सर्वर की एरर की वजह से मेरे सिग्नेचर में दोनों जगह हिंदी में भी इंग्लिश का ही साइन हो गया है। तो बस बीपीएससी से रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके एडिट का ऑप्शन दे, एक बार करेक्शन का मौका दें, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, जिस भी तरीके से जो भी करें, पर सर्वर का इशू की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत दिक्कतें। बस करेक्शन, कल आखिरी दिन है आप लोगों के फॉर्म जमा करने का, अगर ये दूर नहीं होता है तो कितनी दिक्कत आएगी आप लोग? मैम, दिक्कत तो आएगी ही, एग्जाम सेंटर पे हम लोग को एंट्री देगा क्या, और फिर वेरिफिकेशन टाइम भी दिक्कत कर सकता है। मैंने तो फोटो ही ब्लैक कर दिया है, और फोटो अपलोड किया था और यहाँ पर ब्लैक आ गया सर्वर डाउन के कारण, एग्जाम नहीं देने दिया, तो हम लोग के लिए बहुत समस्या है। बस एक बार ऑप्शन मिल जाए एडिट का। मैम, दो दिन सर्वर प्रॉब्लम था, ये भी बात रखना होगा, दो दिन सर्वर इशू था, उसके वजह से भी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है कि 2 दिन तो हम लोग को मिला ही नहीं, और फिर जब मिला तो ज़्यादा भीड़ हो गया, लोड हो गया, तो सर्वर काम नहीं किया है, सर्वर प्रॉब्लम से ही हम लोग को ऐसा हुआ है। दे रहे थे कुछ सब्जेक्ट, ले लिया है कुछ सब्जेक्ट, एक बार एक दिन के लिए। इतनी बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा बीपीएससी के थ्रू आयोजित की जा रही है, इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिरकार क्यों? ये एक तरह से वेबसाइट में भी कमी के कारण ऐसा हो रहा है कि जैसे बीटेक का स्टूडेंट में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहले फॉर्म भर चुका है, उसके बाद 18 तारीख से बीटेक का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो जो पहले 17 से पहले जो फॉर्म भर चुका है तो वो 18 के बाद बीटेक वो कैसे सेलेक्ट करेगा? वो तो सिंपल ग्रेजुएशन करके फॉर्म भर दिया है, तो वेरिफिकेशन के टाइम में ये दिक्कत आ सकती है। अच्छा, इतनी सारी गलतियाँ आप लोग की वजह से हो रही है कि सर्वर की वजह से हो रही है, बीपीएससी के थ्रू? हमको तो जहाँ तक लग रहा है सर्वर की वजह से, क्योंकि हम जिस समय फॉर्म भर रहे थे मैम, तो उसमें अच्छे से हम साइंस डाले थे, वो हम अच्छे से देखे थे, और जब फाइनल होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आए देखते हैं वहाँ मेरा इंग्लिश हो चुका है, तो मेरा दिमाग वहाँ से ही दिमाग मतलब ख़राब होने लगा कि एक तो लास्ट मतलब कि हमको ऑप्शन मिला है जॉब लेने का, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, अब इतना अच्छा मौका को हम गवा देंगे, तो मेरे गार्जियन जो मेरे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि अब इनका जॉब हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे अरमाने होती हैं माता पिता का, तो वो सारा अरमान तो खो जाएगा ना फिर। इसलिए मैम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ विनती जोड़ करके करते हैं, क्या हम लोग को एक एडिट का ऑप्शन दिया जाए, एक बार एडिट का ऑप्शन मिल जाए तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपकी क्या समस्या है? जी मैम, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं पश्चिमी चंपारण से। मैम, मेरी समस्या ये है कि मैंने शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ, ठीक है, तो मैंने 15 तारीख को फॉर्म फाइनली सबमिट किया था, तो उसमें क्या हो गया, 15 तारीख को मेरा ये कल्याण विभाग का जो था ये इसमें पासिंग ईयर मतलब शो नहीं कर रहा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का, और मैंने 2 दिन पहले फिर से लॉगिन किया, वापस से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें पासिंग ईयर शो कर रहा है, लेकिन मैम क्या हुआ है कि एक और त्रुटि हुई है, मेरे ये शिक्षा विभाग का जो फॉर्म है इसमें मेरा मतलब आपको भी एडिट का ऑप्शन? जी मैम, एडिट का ऑप्शन चाहिए। इसमें हुआ क्या है कि मेरा ऑप्टेन मार्क्स की जगह मेरा बीएड का पासिंग ईयर शो कर रहा है, तो सर चलिए देखिए यहाँ पे दिक्कत एक ही आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ कि दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को एडिट का ऑप्शन चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियाँ आई हैं। अब बीपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम जब लिया जा रहा है तो देश के कोनों कोनों से अभ्यर्थी आ रहे हैं ताकि वो बिहार में शिक्षक बन सके, और इनकी यही आशा है कि अतुल प्रसाद एडिट का ऑप्शन दे, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए दे दे, क्योंकि कल आखिरी दिन है। अब देखना होगा किस तरीके से बीपीएससी और अतुल प्रसाद इनकी समस्या दूर करते हैं। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।